प्रदेश सियासत का वो अखाड़ा है जहां पर बाजी कभी भी पलट सकती है। यूपी को लेकर एक और बात कही जाती है, दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर ही जाता है, इसीलिए नेताओं की कोशिश होती है कि वो यूपी में अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करें। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं और जब से वो सीएम बने हैं तब से लगातार समाजवादी पार्टी अपनी जमीन खोती जा रही है। लेकिन अभी इसी साल हुए लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को एक नई उम्मीद मिली है, जिसके सहारे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अपनी पार्टी की खोई हुई जमीन दोबारा से वापस पाना चाहते हैं और इसीलिए वो कोई भी छोटे से लेकर बड़ा मौका नहीं छोड़ते। अब एक बार फिर से अखिलेश यादव ने कुछ ऐसा ही किया है जिसके बाद यूपी की सियासत में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिष्ट। क्या अखिलेश यादव को हाउस अरेस्ट किया गया है? ये सवाल इसलिए क्योंकि यूपी समाजवादी पार्टी के नेता योगी सरकार पर हाउस अरेस्ट का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा है और अगर हाँ तो क्या हुआ है जिसकी वजह से अखिलेश यादव को हाउस अरेस्ट किया गया है? लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जयप्रकाश नारायण की जयंती पर आखिर क्यों जबरदस्त बवाल हुआ। दरअसल 11 अक्टूबर 2024 को जयप्रकाश नारायण की जयंती मनाई जाती है। जेपी की जयंती के मौके पर उत्तर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। दरअसल सपा चीफ अखिलेश यादव को देर रात खबर मिली कि जेपी सेंटर के बाहर 8 फीट ऊंची 4 दीवारी लगवाकर गेट बंद करवाया जा रहा है, 3 शेड से गेट को ढका जा रहा है। ये पता चलते ही अखिलेश यादव देर रात ही जेपी सेंटर पहुंच गए। दरअसल समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव देर रात अचानक गोमती नगर स्थित JPNIC यानी कि जयप्रकाश नारायण सेंटर पहुंच गए। यहां सपा ने जेपी को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम भी रखवाया था मगर प्रशासन ने इसकी अनुमति सपा को नहीं दी। ऐसे में अखिलेश यादव देर रात ही जेपी सेंटर के गेट पर पहुंच गए। ऐसे में जब अखिलेश यादव अचानक गेट पर पहुंचे तो हड़कंप मच गया। अलर्ट पर लखनऊ पुलिस और प्रशासन। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को रोकने के लिए जेपी सेंटर के पास पुलिस ने भारी बैरिकेडिंग लगाई थी। इसी के साथ लखनऊ पुलिस के जवान भारी संख्या पर मौके पर तैनात रहे। पुलिस की पूरी कोशिश थी कि कोई भी जेपी सेंटर के गेट पर नहीं पहुंच पाए। मिली जानकारी के मुताबिक अखिलेश यादव के घर के बाहर भी भारी संख्या में पुलिस और RPF के जवान मौजूद थे। इसी के साथ जेपी सेंटर पर भी पुलिस और RPF जवान तैनात थे। दूसरी तरफ लखनऊ प्रशासन का ये कहना है कि जेपी सेंटर में निर्माण कार्य चल रहा है इसलिए एंट्री बंद है, मगर इस पूरे मामले को लेकर सपा मुखिया योगी सरकार पर हमलावर हो गए हैं। अखिलेश यादव ने क्या कहा? सपा चीफ अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले पर कहा कि ये 3 शेड लगाकर सरकार कुछ तो छुपाना चाहती होगी, किसी महापुरुष का सम्मान आखिर ये क्यों नहीं करने दे रही। सपा चीफ ने आगे कहा कि हर वर्ष जयप्रकाश जयंती के दिन समाजवादी लोग यहां जमा होते हैं और उनका माल्यार्पण करते हैं। ये महान नेता है जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और उस समय की सरकार के सामने झुके नहीं। एक समय ऐसा आया कि संपूर्ण क्रांति की वजह से ही देश की राजनीति में परिवर्तन हुआ। योगी सरकार को दिया अल्टीमेटम। भारी संख्या में समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। वो पार्टी मुखिया को JPNIC जाने और जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने से रोकने का विरोध कर रहे हैं। इसी बीच अखिलेश यादव ने योगी सरकार को अल्टीमेटम दे दिया। उन्होंने कहा कि कब तक पुलिस लगाओगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन या 1 साल या 2 साल, और 2 साल के बाद क्या होगा। अखिलेश यादव ने इशारों में 2027 में सरकार जाने की भविष्यवाणी कर दी। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर को सरकार बेचना चाहती है। साथ ही साथ कहा कि अगर आपको बेचना है बेच दीजिए, लेकिन कम से कम इसका रखरखाव तो कीजिए। 3 शेड लगाकर किसकी विचारधारा को नहीं रोका जा सकता है। आखिर क्या है पूरा विवाद? दरअसल लखनऊ की जिस JPNIC बिल्डिंग को लेकर बवाल छिड़ा हुआ है, आखिर उसकी वजह क्या है ये आपको बताते हैं। अखिलेश सरकार के दौरान इस 17 मंजिला इमारत का निर्माण शुरू हुआ। सरकार ने इसे दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर के तर्ज पर इसका निर्माण शुरू करवाया। 860 करोड़ की लागत से इस बिल्डिंग का 80% निर्माण पूरा हो गया, लेकिन 2017 में योगी सरकार आने के बाद निर्माण में गड़बड़ी का आरोप लगाकर काम को रोक दिया गया और जांच बैठा दी गई। इस बिल्डिंग का निर्माण शालीमार बिल्डिंग के द्वारा कराया जा रहा है। अब योगी सरकार ने ये बिल्डिंग लखनऊ विकास प्राधिकरण के पास है। 17 मंजिला JPNIC में जयप्रकाश नारायण से जुड़ा म्यूजियम के साथ ही 100 कमरों का गेस्ट हाउस,
बैडमिंटन कोर्ट, लॉन टेनिस कोर्ट और ऑल ओवर स्विमिंग पूल भी है। साथ ही साथ 17वें मंजिल पर एक हेलीपैड का भी निर्माण करवाया गया है। लेकिन पिछले 7 सालों से बंद पड़ी इस बिल्डिंग में अब कई फिट ऊंची खरपतवार उग चुकी है। अखिलेश यादव का आरोप है कि सरकार इसे बेचना चाहती है। अखिलेश ये भी कह रहे हैं कि बेचना है तो बेच दीजिए, लेकिन रखरखाव तो करिए। नीतीश को उकसाने लगे अखिलेश। इतना ही नहीं, इस घटनाक्रम के दौरान अखिलेश यादव ने नीतीश कुमार को भी उकसाने का काम किया। उन्होंने कहा कि बहुत सारे समाजवादी लोग सरकार में हैं जो सरकार को चलवा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री भी जेपी आंदोलन से निकले हैं। नीतीश कुमार जी ने जेपी के साथ रहकर उनके आंदोलन को मजबूत बनाया था, उनके लिए ये मौका है। ऐसी सरकार जो जेपी जयंती पर उन्हें याद नहीं करने दे रही, उन्हें तुरंत समर्थन वापस ले लेना चाहिए। वैसे आपको बता दें कि यूपी की सियासत में ये पहली बार है जब किसी महापुरुष की जयंती के मौके पर इतना बड़ा सियासी संग्राम छिड़ा हो। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि अखिलेश यादव जेपी के लिए सरकार से इतनी बड़ी टकराहट क्यों मोल रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में सपा ने अपने इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की। सपा को यूपी की 80 में से 37 सीटों पर जीत मिली। उसके सहयोगी कांग्रेस ने भी 6 सीटों पर जीत हासिल की। लोकसभा के बाद से ही सपा का जोश हाई है। चुनाव के बाद ये पहली बार है जब सपा को सरकार से सीधे टकराने का मौका मिला है। अखिलेश इसे भुनाने से चूकना नहीं चाहते। अखिलेश सरकार के सीधे टकरार का ये संदेश देना चाहती है कि यूपी में विपक्ष कमजोर स्थिति में नहीं है। 2009 लोकसभा चुनाव के बाद ऐसा ही मायावती सरकार के एक फैसले के खिलाफ मुलायम सिंह अपने सभी बड़े नेताओं के साथ सड़कों पर उतर आए थे। इस घटना के 2 साल बाद यूपी में सपा की सरकार बन गई थी। कार्यकर्ताओं में नए सिरे से जान फूंकने की कोशिश। लोकसभा चुनाव के बाद अखिलेश यादव की नजर यूपी विधानसभा चुनाव 2027 पर है। इससे पहले इसी साल के अंत में 10 सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं। अखिलेश यादव लोकनायक जयंती पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल अपने कार्यकर्ताओं में नए सिरे से जान फूंक रहे हैं। अखिलेश यादव के घर के बाहर सपा कार्यकर्ताओं की भीड़ जुट गई। विधानसभा नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे और कद्दावर नेता राम गोविंद चौधरी भीड़ के अगुआ थे। अखिलेश यादव ने सपा कार्यकर्ताओं को सड़क पर उतार कर ये भी संदेश दिया है कि बीजेपी से सिर्फ सपा ही मजबूती से लड़ रही है। JPNIC पर जाने से अखिलेश को क्यों रोका। लखनऊ विकास प्राधिकरण की ओर से एक पत्र जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि अभी JPNIC का काम अधूरा है और बारिश के कारण वहां जीव जंतु हो सकते हैं, इसीलिए सपा मुखिया को जाने नहीं दिया जा सकता। वहीं अखिलेश यादव का कहना है कि सरकार जेपी नारायण इंटरनेशनल सेंटर को बेचना चाहती है, इसीलिए लोगों के लिए उसे बंद रखा गया है। JPNIC निर्माण के वक्त से ही विवादों में है। उसके निर्माण के वक्त बीजेपी ने इसमें घोटाले का आरोप लगाया था। गेट फंद कर अंदर गए थे अखिलेश यादव। पिछले साल भी जयप्रकाश की जयंती पर अखिलेश यादव को प्रतिमा पर माल्यार्पण की अनुमति नहीं दी गई थी। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इसके लिए सुरक्षा कारणों का हवाला दिया था। प्राधिकरण का कहना था कि सेंटर पर साफ सफाई का काम होने के कारण वहां ताला लगाया गया है। इसके बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने JPNIC का गेट फांद कर अंदर पहुंचने की कोशिश की। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुआ था। अब इस बार भी जयप्रकाश नारायण की जयंती पर जमकर बवाल देखने को मिला है। इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल TV उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। मैं राजनीति करता नहीं पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूँ। मैं लोगों के बीच रहता, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़ ना कोई रेस। कैपिटल TV उत्तर प्रदेश।